Hey guys, मैं अखिलेश और आप देखिए हमारा YouTube चैनल टेक अखिलेश। तो गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे आप अपने किसी भी वीवो का डिवाइस में गाइस अगर फोन अप्लाई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को गाइस सॉल्व कैसे करें। गाइस जब से एंड्रॉइड 12 का अपडेट आया हुआ गाइस तब से आप अगर आप कोई भी वीवो का डिवाइस यूज करते हो गाइस अगर उसमें एंड्रॉइड 12 का अपडेट आया हुआ तो गाइस आप अपने फोन में किसी भी फोन को अप्लाई नहीं कर पाते हो, ठीक है। वहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है तो हम यहाँ से आपको बिल्कुल सेटिंग करके बताएंगे। आप अगर किसी भी एप्लीकेशन से गाइस फोन अपना चेंज करेंगे तो गाइस यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को गाइस सॉल्व कैसे करेंगे हम यहाँ पे गाइस चेंज करके भी दिखाएंगे। बिल्कुल आपको जिस एप्लीकेशन से बताएंगे चेंज करने के लिए आपको इसी एप्लीकेशन से गाइस चेंज करना अपने फोन में फोन को और जो प्रॉब्लम आ रही है गाइस वो प्रॉब्लम बिल्कुल यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। आप अगर किसी भी फोन को डाउनलोड करके अप्लाई करके चेंज करना चाहोगे गाइस बिल्कुल कर सकते हो। आपके फोन में बेसिक एंड्रॉइड 12 का अपडेट आया हुआ है, ठीक है। हम जो यहाँ से सेटिंग बताएंगे गाइस आपको सिर्फ इस सेटिंग को फॉलो करना है। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो गाइस अपने फोन में फोन गाइस बिल्कुल चेंज नहीं कर पाएंगे। जो प्रॉब्लम आ रही है गाइस वही सेम प्रॉब्लम आपके फोन में रहेगी गाइस। तो वीडियो को स्किप ना करना एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस हम चलते हैं कंटिन्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको देखिए प्ले स्टोर गाइस अपने फोन में ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर गाइस ओपन करेंगे यहां पे सर्च बार में जाना है। आपको सर्च क्या करना है Z Phone 3, ठीक है। यहां पे देखिए हम Z Phone 3 सर्च करेंगे। यहां पे देखिए आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन की रेटिंग काफी अच्छी है, 4.1 की रेटिंग है। इसको 10 मिलियन प्लस लोग यूज करते हैं, यानी कि 10 मिलियन प्लस लोग का मतलब 1 करोड़ लोग यूज करते हैं एप्लीकेशन को, ठीक है। हम देखिए यहां पे एप्लीकेशन गाइस ओपन करते हैं। आपको इसी से फोन चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे आते हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं फाइनली और हमारे फोन में एप्लीकेशन ओपन हो गया। यहाँ पे एग्री का ऑप्शन आएगा, एग्री पर गाइस क्लिक करना है और यहाँ पे गैंड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर गाइस क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके आपको इसको देखिए अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको अलाउ करना, अलाउ करके और यहाँ से ऑटोमेटिक आपको बैक नहीं आना है और आपके फोन में यहाँ पे फोन ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपको जैसा भी फोन चाहिए, कलरफुल चाहिए या फिर नॉर्मल चाहिए, जो भी फोन आपको यहाँ पे चाहिए यहाँ पे सभी फोन खुल के ओपन हो गए। आपके जो भी फोन यहाँ पे चेंज करना गाइस उस फोन को आप यहाँ पे डाउनलोड करके बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपको जैसा भी फोन चाहिए यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। हम देखिए गाइस इस फोन को क्लिक करेंगे दूसरे वाले पे, यहाँ आपको ऐड देखने को मिलेगा। ऐड को गाइस थोड़ा सा वॉच करके और गाइस यहाँ से बैक कर देना, ठीक है। बैक करेंगे, यहाँ से फिर से बैक आना है, दोबारा बैक करेंगे और यहाँ पे देखिए ये डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। डाउनलोड पर गाइस क्लिक करना है, पेंडिंग का ऑप्शन है, अप्लाई का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये देखिए डाउनलोड हो चुका है, अप्लाई का ऑप्शन आएगा, अप्लाई पर गाइस क्लिक करना है। आपको गाइस ग्रेट स्टार्ट पर गाइस क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस आप क्लिक करेंगे आपको यूज दिस फोल्डर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर गाइस क्लिक करना है। आपको कैंसिल और अलाउ का ऑप्शन आएगा, आपको अलाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस क्लिक करेंगे और अभी आपके फोन में ये देखिए यहाँ पे कैंसिल और ओके का ऑप्शन आएगा, आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पर गाइस क्लिक करेंगे और आपके फोन में ये देखिए डाउनलोड होगा, ठीक है। डाउनलोड होगा, ये डाउनलोड हो रहा। और एक चीज मैं आपको बता दूं गाइस, अगर आपको अपने फोन में फोन को चेंज करना, ठीक है, प्रॉब्लम जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में वाईफाई कनेक्शन देंगे तभी गाइस फोन को चेंज कर पाएंगे, नहीं तो गाइस चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए अगर आप वाईफाई कनेक्शन देते तभी गाइस बिल्कुल चेंज कर पाएंगे, नहीं तो चेंज नहीं कर पाएंगे। यहां पर देखिए ऐड आएगा, ऐड को बैक करना है। ऐड को बैक करेंगे आपको यहाँ पे ग्रेट स्टार्ट पर गाइस क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको डेवलपर ऑप्शन मिलेगा, यहाँ गाइस क्लिक कर देना आपको और यहाँ डेवलपर ऑप्शन पे गाइस आप जब क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी हम यहाँ से और भी सेटिंग आपको बताते हैं। तो यहाँ देखिए सेटिंग डेवलपर ऑप्शन पे गाइस क्लिक करेंगे, अभी यहाँ पे एक आपको न्यू पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पे देखिए ओपन हो चुका है। यहाँ थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे आप नीचे, आपको देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। एक आपको जो यहाँ पे हम ऑफ कर रहे हैं इसको ऑन करना है और गाइस यहाँ पे आपको देखिए एक नीचे भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसको भी आपको ऑन करना है, ठीक है। एक छोड़ के एक को ऑन करना है यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे जो नीचे वाला ऑन करेंगे आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में गाइस क्लिक करना है। लेफ्ट साइड में गाइस क्लिक करेंगे आपको देखिए यहाँ पे स्कैनर मिलेगा और यहाँ पे आपको यहाँ पे जो कि कोड के जरिए गाइस चेंज करना, ठीक है। यहाँ नीचे वाले पे गाइस आप क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे कोड मिल जाएगा 1559। तो हम देखिए यहाँ पे कोड एंटर करेंगे, यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर गाइस क्लिक करेंगे और यहाँ दोबारा से क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे फिर से एक बार ये कोड चेक कर लेते हैं 1559। तो यहाँ पे देखिए हम क्लिक करते हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पे नीचे भी क्लिक करेंगे और यहाँ पे गाइस हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो कोड है कोड को ऐड करेंगे 1559। तो हम देखिए यहाँ पे एंटर कर दिए, ठीक है, एंटर कर दिया गाइस। हमारे फोन में एक कोड यहाँ पे सक्सेसफुली एंटर हो चुका है। अब देखिए हम यहाँ से बैक आते हैं, बैक आ चुके हैं, फिर से यहाँ पे गाइस हम बैक आएंगे, ठीक है। फिर से बैक आ गए हैं और आपको स्टार्ट पे गाइस क्लिक करना है। यहाँ पे पहले यहाँ गाइस क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ क्लिक करके आपको स्टार्ट पे गाइस क्लिक करना है और यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन को आएगा, यहाँ गाइस नीचे वाले आपको क्लिक कर देना है। यहाँ नीचे वाले पे गाइस आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे गाइस आपको नीचे वाला ऑप्शन एक बार ही ऑफ करना, फिर उसके बाद ऑन कर देना, ठीक है। ऑन कर देंगे और आपको देखिए यहाँ से बैक आ जाना है, बैक आ जाएंगे और अभी आपके फोन में यहाँ पे गाइस फोन और डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम दिखाते हैं,
तो यहाँ देखिए फाइनली अभी उस फोन को हम यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो चुका और ऑटोमेटिक आपका फोन यहाँ पे बैक होगा और ऑटोमेटिक फिर यहाँ से आपका जो जर फोन है गाइस वो यहाँ से ऑटोमेटिक फिर ओपन भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओपन भी हो चुका है। हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, जिस फोन को हम डाउनलोड किए थे उसको अप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए हम गाइस क्लिक करते हैं, यहाँ पर गाइस क्लिक कर दिया और यहाँ पे देखिए आपको ऐड आएगा, ऐड को थोड़ा सा वॉच करके यहाँ से गाइस अभी बैक कर देना है। बैक करेंगे और अभी आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, अप्लाई पर गाइस क्लिक करना है। अप्लाई पे गाइस क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा चेंज फोन का ऑप्शन, यहाँ पर गाइस क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अभी देखिए आपको एक फाइल बन के आ जाएगा, तो यहाँ पे कस्टम जेड फोन यहाँ गाइस क्लिक करना है और इसी फोन को देखिए हम डाउनलोड किए थे, हम देखिए इसको अप्लाई भी कर देते हैं। गाइस अप्लाई भी कर दिए और अभी देखिए हमारे फोन में गाइस फोन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गाइस कुछ लोडिंग का ऑप्शन है और हमें यहाँ पे देखिए सेटिंग को ओपन करते हैं। ठीक है, सेटिंग को देखिए यहाँ पे हम ओपन किए और यहाँ पे देखिए हमारा फोन गाइस बिल्कुल चेंज हो गया है। अगर आपके भी फोन में एंड्रॉइड 12 का अपडेट आया हुआ तो गाइस अगर आपको फोन अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप इस वीडियो के जरिए अपने फोन में किसी भी फोन को अप्लाई कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को गाइस बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। आई होप तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं फिर के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।